जब सत्ता के नशे में चूर शिक्षा मंत्री ही शराब पीने की शिक्षा देने लगे तो प्रदेश का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ सुर्खियां बटोर रहे हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। प्रदेश का भविष्य ऐसे मंत्री के हाथ में है जो नशा मुक्त कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचते हैं तो शराब के फायदे गिनाने लगते हैं, शराब पीने के तरीके बताने लगते हैं। जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री शराब पीने की शिक्षा देंगे तो प्रदेश की शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं होगा। अब ये समझ से परे है कि मंत्री जी कार्यक्रम में नशा मुक्ति को लेकर शामिल होने गए थे या फिर कार्यक्रम को नशा युक्त करने गए थे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम नशा मुक्ति के कार्यक्रम में पहुंचे और शराब पीने का तरीका और फायदे गिनाकर कार्यक्रम को नशा युक्त बना डाला। अब इसी बात को लेकर प्रेम साय सिंह टेकाम सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुर्खियां तो बटोर रहे हैं लेकिन यह प्रदेश के लिए शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री शराब के फायदे और पीने के तरीके बता रहे हैं। विडंबना देखिए कि मंत्री के बयान पर वहां मौजूद अफसर और आम जनता भी मुस्कुरा रही थी। हद तो तब हो गई जब मंत्री टेकाम यहां तक बताने लगे कि शराब में पानी कितना मिलाया जाए। उन्होंने कहा, शराब में मात्रा के अनुसार पानी मिलाकर पीने से वह एक निदान का काम करता है। टेकाम ने अपने सपोर्ट में हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता का भी सहारा लिया। टेकाम बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पिछले कुछ दिनों से पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान में शामिल होने पहुंचे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। प्रेम साय सिंह स्थानीय विधायक भी हैं। नशा मुक्ति के अभियान को मंत्री ने अपने भाषण से नशा युक्त बना डाला। उन्होंने शराब का ये ज्ञान अपने प्रदेश तक सीमित नहीं रखा है, ये ज्ञान वे मुंबई में भी बांट चुके हैं। एक रात ही हरिवंश ने मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते लेकिन एक कराती भूल जाना, लेकिन समय नियंत्रण आत्मनियंत्रण आपके पीछे होना चाहिए। कैसे इसमें हो सकता है? एक हमारे एक हमारे मीटिंग हो रहा थी, मैं भी उसमें गया था, वो तो दारू के पक्ष में बोलने रहते, एक दिन दारू के विपक्ष में बोल रहे कि दारू की क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। एक पक्ष पर बोल कि दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, दारू के सबको एक कर देता है भाई। हम लोग कभी उसके उपयोग करते हैं, चुनाव चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं, एक एक कराता है। तो दारू के विषय में एक कहा गया कि दारू मतलब डी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन, उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। नहीं कि एक ही मानो खटखट मार दिया पूरा खत्म हो गया। वही सड़क को लेकर उनके अपने ज्ञान भरे तर्क है। टेकाम का कहना है कि जहां खराब सड़कें होती हैं हमें फोन आते हैं कि ठीक करवाइए, लेकिन वहां खराब सड़कों में एक्सीडेंट कम होते हैं। जहां अच्छी सड़क होती है वहां मौत होती है, एक्सीडेंट होते हैं। ये ज्ञान भरी और जानकारी से युक्त बातें मंत्री टेकाम ने दी। ऐसे में तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सड़कों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार व्यर्थ में ही सड़कों के निर्माण में पैसा खर्च कर रही है। जल्दी बन जाए, लेकिन ये भी एक कारण है कि जहाँ खराब सड़कें होती हैं हमें फोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पे लोगों की मौतें कम होती है। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप
देख रहे हैं दखल न्यूज़।